गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ दीक्षा, आई एम सीनियर नर्सिंग ट्यूटर RPIIT कैंपस बस्ताड़ा करनाल। टुडे आई हैव डिस्कस माय प्रीवियस टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया, सो इन दिस सेशन आई हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। फर्स्ट वन, डोपामाइन हाइपोथेसिस। न्यूमरस पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी PET स्टडी हैव शोन डोपामिनर्जिक हाइपर एक्टिविटी इन द न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस एंड डोपामिनर्जिक हाइपो फंक्शन इन द फ्रंटोटेम्पोरल रीजन। PET स्टडी यूजिंग D2 स्पेसिफिक लाइगेंड्स प्रोवाइड डाटा सुगेस्टिंग इंक्रीज डेंटिसिस ऑफ D2 रिसेप्टर इन द न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। PET स्टडी असेसिंग D1 फंक्शन सुजेस्ट दैट सब पॉपुलेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया मे हैव डिक्रीज्ड डेंटिसिस ऑफ D1 रिसेप्टर इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दस पॉजिटिव सिम्टम्स आर थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम ओवर एक्टिविटी इन द मेसोलिम्बिक डोपामिनर्जिक पाथवे एक्टिवेटिंग D2 रिसेप्टर, वेयर एज नेगेटिव सिम्टम मे रिजल्ट फ्रॉम अ डिक्रीज एक्टिविटी इन द मेसोकॉर्टियल डोपामिनर्जिक पाथवे वेयर D1 रिसेप्टर प्रीडोमिनेट्स। इसमें बोला गया है जो PET स्टडी की गई है पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है जो डोपामिनर्जिक हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, जो डोपामाइन का लेवल होता है ब्रेन का, आगे इसमें जो D2 रिसेप्टर होता है वो सुजेस्ट किया जाता है कि जो D2 का रिसेप्टर का लेवल है वो भी इसमें क्या कर जाएगा, पहले इंक्रीज कर जाएगा। PET स्टडी D1 फंक्शन सुजेस्ट किए गए तो स्किज़ोफ्रेनिया में D1 रिसेप्टर डिक्रीज हो जाएगा और D2 रिसेप्टर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा D1 रिसेप्टर इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जो पॉजिटिव सिम्टम्स हो जाएंगे रिजल्ट ओवर एक्टिविटी, उसके बाद जैसे पॉजिटिव D2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव सिम्टम्स क्या जाएंगे, ओवर एक्टिविटी हो जाएगी पर्सन में, किसकी वजह से हो जाएगी, मेसोलिम्बिक डोपामिनर्जिक पाथवे एक्टिवेटिंग हो जाएगा D2 रिसेप्टर, जो नेगेटिव सिम्टम रिजल्ट है वो डिक्रीज एक्टिविटी हो जाएगी एंड मेसोकॉर्टियल डोपामिनर्जिक पाथवे D1 रिसेप्टर प्रीडोमिनेट्स। देन ये आ जाते हैं हमारे जो ब्रेन है वो दिखाया गया है कि कैसे कैसे इसके पाथवे हैं, जो हमने अभी पढ़ा मेसोलिम्बिक पाथवे आ गया, जो हमने PET पढ़ा डोपामाइन आ गया, मेसोकॉर्टियल पाथवे आ गया, ट्यूबर हाइपोफिजियल पाथवे आ गया एंड नाइगोस्टेटरी पाथवे है। देन डोपामाइन इसमें दिया गया है कि जो ये सारे हमने पाथवे पढ़े उसका रीजन इन्वर्जन फंक्शन क्या क्या है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है निग्रोस्टेशियल, इसका ओरिजन है सबस्टेनिया निग्रा, इन्वर्जन है स्टेट्रियम एंड फंक्शन किसका है, जो ब्रेन की मूवमेंट में हेल्प करता है। देन आ जाता है मेसोलिम्बिक, इसका ओरिजन का है वेंट्रल ट्रैगमेंटम एरिया ऑफ द मिड ब्रेन में। देन इन्वर्जन क्या काम करता है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस एंड अमाइलेडा एरिया ऑफ लिम्बिक सिस्टम। फंक्शन क्या है, अराउजल स्टिमुलेट प्रोसेसिंग मोटिवेशनल बिहेवियर। मेसोकॉर्टियल वेंट्रल ट्रैगमेंटम इन्वर्जन क्या हो जाएगा, फ्रंटल एंड प्रीफ्रंटल लोब ऑफ द कॉर्टेक्स। फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉग्निशन अकोमुलेशन सोशल फंक्शन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस हो जाएगा किसी भी पर्सन को। देना जाता है ट्यूबर ओफिजियल और टर्मिनी पंडिबुलर, जिसमें क्या हो जाता है, ओरिजिन कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, इन्वर्जन है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फंक्शन क्या है, इनहिबिट कर देता है किसके, जो प्रोलैक्टिन होता है उसके रिस्पांस को। थैंक यू फॉर दी वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ कंटिन्यू दी टॉपिक, ज्वाइन माय सेकंड सेशन।